स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अभी तक तो महिलाओं के गले से बदमाश चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अब तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े एक युवक के गले से चेन झपटने की वारदात को अंजाम दिया। बाइक से आए बदमाश ने दिन दहाड़े युवक के गले पर झपट्टा मारा, जिससे चेन टूट गई। बदमाश के हाथ आधी चेन आई और वो आधी चेन लेकर ही मौके से भाग गया। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले। दरअसल सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाला प्रॉपर्टी ब्रोकर स्वराज पिता दिलीप परमार अपनी मां मधु परमार के साथ गुरुवार सुबह 10:30 बजे रामनगर चौराहे पर मिठाई की दुकान पर सामान लेने आया था। सामान खरीदने के बाद जब वह बाइक स्टार्ट करने लगा, तभी बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाश आया और उसने स्वराज के गले पर झपट्टा मारा। स्वराज ने गले में 3 सोने की चेन पहन रखी थी, जिसमें से 2 टूट गई। एक चेन का आधा टुकड़ा बदमाश के हाथ लगा और बदमाश उसे लेकर चंपत हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश का चेहरा पूरा ढका हुआ था, उसने नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। स्वराज ने तत्काल डायल 100 को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन बदमाश का कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने स्वराज परमार से आवेदन लेकर जाँच शुरू कर दी है। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है भैया आपका? स्वराज परमार। क्या घटना हुई है आपके साथ? आज सुबह 10:30 बजे के लगभग मेरी माता जी के साथ में वनमंडल चौराहे से रामनगर के लिए आ रहा था। रास्ते में शेरी स्वीट से रुका हुआ था नमकीन मिठाई वगैरह लेने के लिए। मिठाई वगैरह सामान लेकर के मैं वापस आया, गाड़ी में बैठा और जैसी गाड़ी स्टार्ट करके निकलने वाला था, सामने से मोटरसाइकिल पे एक सामने से आया इंदौर की तरफ से एक सिंगल ही आदमी था। एकदम से उसने चेन पर झपट्टा मारा, चेन मेरी आधी चेन खींच के लेके चले गया, आधी मेरे पास ले गया। आपने क्या कार्रवाई करवाई? पुलिस में कल 500 में कंप्लेंट की है, पुलिस स्टेशन में जाके आवेदन भी दिया हुआ है। कितने लोग थे वो? एक ही आदमी। कितने बजे की घटना आई है? ये सुबह 10:30 बजे के आसपास। क्या नाम है आपका? स्वराज शर्मा। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।